सो यहाँ पे हो चुकी है हमारी ब्लू कलर की भी फिट, देख सकते हैं आप तो ग्रेस कितनी आ रही है। सो ये हो गया ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं अपनी TVS जुपिटर के ऊपर। सो ये देख सकते हैं आप, वाइट कलर की मेरी TVS जुपिटर है। सो इसकी हम जो ये मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, देख सकते हैं आप, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। सो ये लॉक ऑन ऑफ इग्निशन के ऊपर लगेगा। सो ये यहाँ पे फिट होने वाला है। सो यहाँ पे ये एक रबड़ लगी होती है, सो इसको हम रिमूव करेंगे और इसको इससे रिप्लेस करेंगे। सो ये फुल्ली LED में होने वाला है। सो करते हैं इसको इंस्टॉल और देखते हैं क्या लुक आने वाली है हमारी TVS जुपिटर की। सो यहाँ से इसके चार नट खोलने पड़ेंगे हमें, यहाँ से और फ्रंट से। सो इसके बाद जो है हमारा ये फ्रंट पैनल खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बाइक खोलने लगा हुआ है। इसे तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पैनल खुल चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ऑन लगे हुए हैं हमारे गाड़ी के अंदर। तो यहाँ से हम जो है ये इसकी बैक रिंग निकालेंगे। यहाँ से ये बहुत इजीली निकल जाती है इसकी रबड़। और इसकी जगह पे हम ये जो है अपनी इग्निशन लाइट जो है ये फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम फिट कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से इधर से वायर डाल के इसकी, और दूसरी साइड से जो है हमें यहाँ से निकाल लेनी है। सो ऐसे वायर निकालने के बाद, और इसको जो है इजी टू फिट है, इसके अंदर कोई नट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बिल्कुल भी नट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे इस तरीके कुछ हमारे वायर पीछे से निकालने के बाद हम जो है कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी जो है पूरी प्रॉपर फिक्स हो चुकी है और निकल भी नहीं रही है। सो इसमें कोई भी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी LFE वगैरह लगा सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए, बाकी अदरवाइज़ ये फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कनेक्शन के पास। तो ये हमारी जो दो वायर हैं ये हम इग्निशन में लगाने वाले हैं इसके, जबकि हम जब चाबी ऑन करें तो उस टाइम पर ये जल जाए। सो कुछ यहाँ पे हमारे वायर होते हैं दो, नेगेटिव पॉजिटिव का वायर होते हैं यहाँ पे दो। सो यहाँ पे ये यहाँ पे हमारी वायरिंग आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा प्लग दिया गया है, ये तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो इसके अंदर एक ये वायर है, इसके आप मैं फोकस करके दिखा देता हूँ आपको। ब्लैक और रेड वायरिंग है ये, इसकी जो है इग्निशन की प्लस होती है। जब हम इसमें चाबी ऑन करते हैं तभी इसके अंदर करंट आता है, अदरवाइज इसके अंदर करंट नहीं आता। सो इसके अंदर जो हमारी ये जो है रेड वायर है मेन प्लस की, वो लगेगी, और हमारी माइनस की हम कहीं भी दे सकते हैं बॉडी के अंदर, पूरे के अंदर अर्थ होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम रेड की वायर का कनेक्शन देंगे। सो यहाँ पे जो है हमारी ये माइनस की वायर है, ये आप कहीं भी दे सकते हैं इसकी पूरी बॉडी में, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं, या कहीं और नट वगैरह लगा हुआ, जैसे कि यहाँ पे नट कस के दे सकते हैं इसको कनेक्शन। सो इसका माइनस का जो है कहीं से भी बॉडी में कनेक्शन दे सकते हैं। सो मेन प्लस का रहता हमारा यहाँ पे, इसका प्लस का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये रेड और ब्लैक वायर है इसमें। तो इसको यहाँ से प्लग खोल के भी आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप कट करना नहीं चाहते तो यहाँ पे प्लग खोल के भी लग सकती है। बाकी यहाँ पे हमारा जो कट किया हुआ है हमने वायर को, सो हम यहाँ पे इसका कनेक्शन दे रहे हैं। सो अभी हम करते हैं इसका माइनस का कनेक्शन और करते हैं इसे फिट और देखते हैं चला के क्या क्या लुक आती है हमारी लाइट की। यहाँ पे हमने जो है अपना फ्रंट पैनल यहाँ पे फिट कर लिया जैसे कि हमने खोला था, और यहाँ पे जो है हमारी इग्निशन जो है यहाँ पे फिट हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, मैं चाबी निकाल देता हूँ यहाँ पे और फोकस करता हूँ।
इसके ऊपर अभी फिलहाल पेपर लगा हुआ है एक छोटा सा, इसको रिमूव करते हैं और देख सकते हैं आप लुक क्या आ रही है। सो ये लुक आने वाली है इसकी। और उसके बाद जो है हम जब इसमें चाबी लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी जो है रिंग की लुक आने वाली है। ऑफ पे ये ऐसी लगने वाली है कुछ हमारी, यहाँ पे बैजिंग की गई है, TVS Jupiter लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑन ऑफ का, ऑफ और लॉक का सिस्टम दिया गया है। सो अब हम इसमें लगाते हैं कि और देखते हैं इसे ऑन करके क्या लुक आने वाली है हमारी रिंग की। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी शानदार लुक आ रही है इसकी और क्या ब्राइट लाइट है, मैं दूर से दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसे लगने वाली है हमारी यहाँ की रिंग लाइट। सो इसकी लाइटिंग इतनी शार्प है कि हमारा कैमरा जो है इसको फोकस ही नहीं कर पा रहा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी शानदार जो है LED की लाइट आ रही है। सो ऐसे ही हमारे पास दूसरा वेरियंट है ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में, रेड कलर में। सो इतनी ज़्यादा वेरियंट में लगा के आपको दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं एक और वेरियंट लगा के दिखाऊँगा जो कि है हमारा ब्लू कलर का। सो इसको करते हैं हम हटाते हैं और इसकी जगह हम ब्लू कलर लगा के देखते हैं कैसे लगने वाला है। तो अभी ये हमारे पास जो है दूसरा कलर है ब्लू कलर। सो इसका भी सेम प्रोसीजर है फिट करने का। सो यहाँ से इसकी वायरिंग जो है निकाल के इजीली हम यहाँ से इसकी वायरिंग निकाल लेंगे। सो यहाँ से हमने ऐसे सिंपली वायरिंग निकाल लेनी है इसकी और इसको बिल्कुल सिंपल ही फिट कर देना है। सो बिल्कुल ईजी टू फिट है, एक बारी हमने यहाँ पे फिट कर दिया और बाद में आप चाहे इसको प्रॉपर फिक्स करते हैं तो यहाँ पे फेविक्विक वगैरह लगा सकते हैं, अदरवाइज वैसे ही निकलेगा नहीं। अगर फिर भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सो ऐसी लुक आने वाली है इसकी और अभी इसको ऑन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हो चुकी है हमारी ब्लू कलर की भी फिट, देख सकते हैं आप ग्रेस कितनी आ रही है। वाइट और ब्लू दो वेरिएंट दिखाए हैं अभी मैंने, इसके अंदर 3-4 कलर और हैं, ग्रीन भी कलर है तो वो मैं फिट करके नहीं दिखा सकता। सो अभी मैं यहाँ पे जो है आपको ब्लू कलर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। सो इसको अगर आपको बाय करना रहेगा तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसको मंगवा सकते हैं। सो ईजी टू फिट है, मैंने आपको फिटिंग पहले बता दी है कि फिटिंग का प्रोसेस क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाले नई वीडियो के लिए। तो TVS Jupiter पे एक और नई मॉडिफिकेशन आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वो भी देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।